चुनाव टुंडला के दंगल को लेकर सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर से सीधी बात। एक तरफ जहां टुंडला विधानसभा में उपचुनाव होना है, वहीं दूसरी तरफ इस विधानसभा के कई गांव ऐसे भी हैं जहां चुनाव का बहिष्कार लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विकास ना होने के कारण ग्रामीण खासे नाराज हैं। ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि चुनाव के समय तो सब आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई भी नेता गाँव का रुख नहीं करता। आज गाँव की हालत बस से बदतर हो चुकी है, लेकिन सोचने समझने और सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर से सीधी बात की पल्स 24 न्यूज के मंडल ब्यूरो देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप स्वयं सुनिए इस रिपोर्ट में। टुंडला उपचुनाव का दंगल है और आज इस दंगल को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार किन चुनौतियों का सामना इस समय चुनावी क्षेत्र में जब वो जाते हैं जनसभा के लिए या लोगों से जनसंपर्क करते हैं तो उस समय किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि टुंडला विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर कई गाँव ऐसे भी हैं जहाँ चुनाव का बहिष्कार किया गया है और साफ तौर पर जो ग्रामीण हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि लगातार विकास न होने की वजह से यहाँ सीट छोड़ दी गई जो मौजूदा विधायक थे। तो आखिरकार किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनगर जी से हम रूबरू कराएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से वो है जनसंपर्क इस समय कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस तरीके से जनता के सामने जब आप जाते हैं तो जनता अपनी समस्याएं रखती है, तो किस तरीके की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? आज तक जनता ये समझ चुकी है कि टुंडला से जो भी विधायक या एमपी रहा हो, जो भी तो मैं यहाँ से मंत्री भी रहे हैं, तो आज तक इन लोगों ने जीतने के बाद टुंडला की जनता को पलट के देखने का काम नहीं किया है। और टुंडला की जनता इसी बात को लेके गुस्सा है कि आज तक हम लोगों ने जो 50 और 55 हज़ार का जी हल्ला मचाती है, इससे ज़्यादा जनता कभी वोट नहीं दे सकती है। इन लोगों को इतनी लीड दे के जिताया है, उसके बाद में इन लोगों ने सिवाय और सिवाय लोगों पर झूठे मुकदमे और दलाली करने का काम किया है। इस वजह से लोग समझ चुके हैं कि अब ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना है हम लोगों को। आकलाबाद, हसनपुर, नारकी क्षेत्र, तमाम टुंडला विधानसभा के ऐसे गांव हैं जहां पर आज जनता वोटिंग का बहिष्कार कर रही है। साफ तौर पर वो ये कह रही है कि सड़क नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, तमाम वो मूलभूत सुविधाएँ हैं जो कि यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिली हैं, जिनसे वो वंचित हैं, लोग परेशान हैं। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए आखिरकार आप उनसे क्या कह रहे हैं जिससे कि वो वोट करें और अपने वोट का प्रयोग करें जिससे कि एक अच्छे प्रत्याशी को जीत मिल सके? ऐसा है, जो विकास है, विकास तो समाजवादी पार्टी के समय हुआ है लोगों का और उन्हें समाजवादी पार्टी में विश्वास भी है, भरोसा भी है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप चिंता ना करें, एक साल का ये चुनाव है, एक साल में हम लोग वादा नहीं कर रहे हैं कोई कि हम लोग ये कर देंगे, क्योंकि अगर हम लोग जीत के जाएंगे तो हो सकता है कि ये हमारी निधि को भी रोक देंगे, क्योंकि सरकार इनकी है कहीं ना कहीं। मगर हम लोग उनसे कह रहे हैं कि आपके विकास की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और आने वाली 22 में जो हमारी सरकार बनेगी तो 100% हम आपका काम कराएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद जिले के अंदर जितना काम किया है, मैं जानता हूं बीजेपी वालों को मैं आज भी चुनौती देता हूं, एक कोई समाजवादी पार्टी के अलावा कोई एक काम बता दे कि इन्होंने एक काम 4 साल में किया हो। कांग्रेस पार्टी हिट विकेट हो चुकी है टुंडला उपचुनाव, किसको मानते हैं, बीजेपी या बसपा? मैं किसी को नहीं मानता हूँ, मेरी किसी से टक्कर है ही नहीं, क्योंकि जी जो भी हल्ला मचा रही है कि साहब हमारी टक्कर है, अरे आप जनता में निकल के तो देखो कि आपकी हवा निकल चुकी है। ये गाड़ियां और जितने मंत्री घूम रहे हैं, हो सकता है इन्हीं की गाड़ी में सवार सारे वोट रखे हुए हैं। और बढ़िया है अगर जनता बता देगी कि 10 तारीख वाले दिन कहाँ वोट गया और कहाँ निकल गया। ये लोग बहुत गलत फहमी में कि 15 दिन पहले किसी के भी नारे में पट्टा डाल के भेज देते हैं और सोचते हैं कि जीत के जाएंगे हम लोग, तो ऐसा अब की बार टुंडला विधानसभा में नहीं होगा। आखिरी प्रश्न, यहाँ पर तमाम शीर्ष नेतृत्व के, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के नेता आए जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर यह आरोप भी लगाया कि गुंडागर्दी होती थी, लेकिन फिलहाल जो परिदृश्य फिरोजाबाद के परिदृश्य से आप भी भली भांति परिचित हैं, क्या कहना चाहेंगे? और सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार जब एक तरफ जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल और तमाम बाहर के नेता यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी कहीं प्रचार में पिछड़ती हुई नजर तो नहीं आ रही? ये तो आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे पूरा लखनऊ टुंडला विधानसभा में आके डला हुआ है और सिर्फ हमसे पूछते हैं कि आपके स्टार प्रचारक कौन है, तो मेरे स्टार प्रचारक टुंडला की जनता है,
टूंडा का वोटर है और मेरा कोई स्टार प्रचारक नहीं है, और वो ही फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कैबिनेट गली गली में घूम रही है कैबिनेट। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जिन्हें गली में खटिया तक नहीं मिल पा रही है, कुछ लोग तो ऐसे ही है जैसे कि हमारे आगरा की MP हैं वो, और वो अगर अपनी बिरादरी में जो ज़िंदगी में उन्होंने वोट नहीं मांगा है, आज वो अपनी बिरादरी में उन्हें कुर्सियां नहीं मिल रही हैं, फिर भी इतने इथाइस हो गई है कि वहाँ खाली बैठ के दो दो तीन तीन घंटे काटने लग रही हैं। तो इन लोगों को पता चल चुकी है कि मामला ख़राब हो चुका, बाकी जी अपना टाइम बर्बाद कर रही है यहाँ पे, कि क्योंकि पार्टी ने कही है आप लगो, आपको स्टार प्रचारक और ये गली गली में घूमने वाले लोग बन चुके हैं जी लोग। अब जे इनकी छवि तो ख़राब हो गई, और मैं तो ये कहता हूँ कि लास्ट तक ये 3 तारीख तक रुके रहे 5 बजे तक, जिससे जनता देख के इन्हें और बढ़िया वोटिंग कर देगी। ऐसा है जो या कैबिनेट जितने भी डले हुए हैं और या हमारे आगरा का लोकल का MP भी, ये सारे लोग वो काम कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं करने चाहिए। जितने भी प्रधान हैं और खासकर मेरी बघेल समाज के प्रधान, उन लोगों के सब बस्ता जाम करा दिए गए हैं। और डीलर है, डीलर तो पूरी विधानसभा की डीलर है, सब डीलरों को धमकी मिली है कि 100-100 वोट डलवा दें। अब BJP इस कंडीशन पे आ गई है कि सरकारी मशीनरी भी वोट डलवाने का काम करने लगी है। हालांकि जो भी काम कर रही है वो काम बहुत जनता के लिए बहुत बढ़िया, जो सोच रहे हैं कि किसी को पता नहीं है, अभी वीडियो वायरल भी हो चुके हैं कि कुछ जे जा के लोगों को धमकियां दे रही है। तो ये सारे काम समाजवादी पार्टी में आज तक नहीं हुए हैं, जो BJP में जो काम हो रहे हैं। गुंडे की बात कर रहे हो, सबसे ज़्यादा गुंडे तो BJP सरकार कर रही है। अगर ऐसी ईमानदारी से चुनाव करे तो किसी प्रधानों के बस्ते क्यों जाम हो रही है, या डीलरों को लाइसेंस कैंसिल हो रही है, क्यों हो रही है जी? हर आदमी को जगह जगह जाके BTC तक को धमकी मिल रही है कि तुम्हें 100 वोट डलवानी है। ये कंडीशन इन लोगों ने कर दी है, तो टूंडला की जनता ये समझ चुकी है कि अब वोट समाजवादी पार्टी को ही करना है, किसी को नहीं करना है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज सिंह धनकर जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि किस तरीके से उनकी जो चुनाव कार्य योजना इस समय चल रही है और किस तरीके से वो इसको लड़ने वाले हैं। तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी हाल में विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन हर हाल में जिस तरीके से चुनाव का जो चुनावी रणनीति है उसके तहत गाँव जाने का, क्योंकि गाँव में जिस तरीके से कुछ गाँव ऐसे भी नज़र आए उसमें हमने ये देखा कि चुनाव का बहिष्कार ग्रामीण कर रहे थे, और उन ग्रामीणों को समझाने का भी काम लगातार प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि आखिरकार उन गांव का, जो गांव आज वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, उनको किस तरीके से प्रत्याशी समझाते हैं और क्या वास्तविकता में वो वोट देंगे, क्या वो वोट देंगे और किस तरीके से उनको समझाने के बाद किस तरीके से ये चुनावी दंगल अंतिम रूप में आएगा और कौन किसके सर जीत का सेहरा बदलेगा, यह तो आने हमें पता है। आपको क्या चाहिए? अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।